Hello student, good morning. Welcome to today online computer class. Today we are discuss new chapter. Chapter is 7. Name is functions. तो आज हम पढ़ेंगे नया chapter अपने लिए, जिसका नाम है function. अब function क्या होता है? देखो, जब हम program को लिखते हैं, कुछ problems आती हैं program को लिखते time. तो उन problems को लिखने के लिए हमें खूब सारी उसके लिए क्या लिखनी पड़ेंगे? Line लिखनी पड़ेंगी, कोड लिखने पड़ेंगे, ठीक है. और उन कोड लिखेंगे तब यहाँ पे खूब सारे जो लाइंस लिखेंगे, लाइंस इन प्रोग्राम इंक्रीज, तो प्रोग्राम अपना क्या हो जाएगा? बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. क्यों होता है? क्योंकि उसमें कुछ ऐसे कोड होते हैं, उन कोड को हमें रिपीट करना पड़ता है, बार बार रिपीट करेंगे. जब प्रोग्राम में सेम कोड रिपीट होगा तो प्रोग्राम की जो साइज है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, यानी कि इंक्रीज होगी. तो विच मेक द प्रोग्राम लुक बल्की, वो जो प्रोग्राम है दिखने में कैसा लगेगा? बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा. एंड डिफ़िकल्ट टू मैनेज, उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा वो, ठीक है, हैंडल करने में. और स्टूडेंट के समझने में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. तो कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो इस प्रॉब्लम को हमें कैसे हैंडल करना है? तो यहाँ पर जैसे कि कुछ कोड वो बता रहा हूँ कि वो रिपीट हो रहा है बार में, कुछ कोड है वो रिपीट, उस वजह से प्रोग्राम बड़ा हो रहा है. तो उन प्रोग्राम को हम क्या करेंगे, उस कोड को क्या करेंगे, एक अलग से लिख देंगे और उन कोड का एक नेम दे देंगे. उसी नेम को क्या बोलते हैं? फंक्शन, ठीक है. तो फंक्शन जो होते हैं क्या होते हैं, समझ में आ गया? अब देखिए, फंक्शन देर आर टू टाइप, यूजर डिफाइंड फंक्शन एंड लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन को हम बिल्ट इन फंक्शंस भी बोलते हैं. बिल्ट इन फंक्शंस में भी थोड़ा सा अलग डिफरेंट है, मतलब जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उसमें एक लाइब्रेरी फंक्शंस और एक बिल्ट इन फंक्शंस. तो अभी जो लास्ट के चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रिंट फंक्शन है. तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट को या फिर वेरिएबल की वैल्यू को क्या करेगा, प्रिंट करेगा. ऐसे टाइप फंक्शन है, वो टाइप फंक्शन किसी भी डेटा का टाइप चेक करने के लिए हम चेक करते हैं. इनपुट फंक्शन क्या करेगा, वेरिएबल को इनपुट करने के काम आता है, वेरिएबल की वैल्यू को. तो ऐसे कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है कि इस फंक्शन का काम ये होगा, तो वो फंक्शन कहलाते हैं आपके बिल्ट इन फंक्शन या फिर लाइब्रेरी फंक्शन. उन्हीं फंक्शन को हम बोल सकते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, यानी उनको पहले से ही डिफाइन किया हुआ है कि इसका काम ये है, प्रिंट का काम प्रिंट होगा, इनपुट का काम वैल्यू को इनपुट करवाना होगा. तो कुछ फंक्शन क्या होते हैं, पहले से डिफाइंड होते हैं, जो पाइथन के अंदर उनको डिफाइंड किया जाता है ऑलरेडी. तो ऐसे ही दूसरा जो टाइप है फंक्शन का, वो है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी यूजर भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ फंक्शंस बना सकता है. उन फंक्शन को हम बोलेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ये आप ये पिक्चर देख रहे हो कि ये एक टेंट है, और अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस टेंट का कितना एरिया है, यानी कि स्पेस कितना है, और इसकी स्पेस के अकॉर्डिंग इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कॉस्ट होगी वो कैसे होगी. तो इसका हमें एक प्रोग्राम बनाना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे. देखिए, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से जो सिलेंड्रिकल एरिया है उसको अलग से यहाँ पे डिफाइन करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक और इधर का जो एरिया है, ठीक है, यहाँ तक उनको कैलकुलेट करेंगे. फिर जो ऊपर का पार्ट है ये यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ये, यानी सबसे पहले जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, फिर ये दूसरा पार्ट है, इनका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है. और फिर जो भी जो स्क्वायर फुट आएगी या फिर मीटर होगा, जो ईच स्क्वायर फुट का क्या रेट है, उसके बाद में जो भी टोटल एरिया आएगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद में, और इसके साथ में कोई भी जैसे GST वगैरह है, टैक्स वगैरह, वो इसके वैल्यू के साथ में यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे, जो अपनी नेट क्या हो जाएगी, नेट कॉस्ट निकल के आ जाएगी.
यहां पर इस प्रोग्राम को किस तरीके से करेंगे कंप्यूटर में, यूजिंग फंक्शन और विदाउट फंक्शन। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्सेप्ट यूजर रिक्वायरमेंट, यानी जो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है फॉर द टेंट सच एज हाइट, हमें क्या चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, उसकी रेडियस चाहिए यानी कि त्रिज्या ऊंचाई है ये, और स्लेंट हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये इसकी जो हाइट है ये हमें रिक्वायरमेंट है। फिर है कैलकुलेट द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, इसके बाद में हम क्या करना है, कैनवास यूज का जो एरिया है उसको कैलकुलेट करना है। आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ द कैनवास यूज टू मेकिंग टेंट, आप जितना टेंट बना रहे हो उसकी जो कॉस्ट क्या होगी उसको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट कैलकुलेट द नेट पेबल अमाउंट, और जो भी हमें उसकी प्राइस है उसके ऊपर कितना परसेंट टैक्स है वो इंक्लूड करना है, उसके बाद में वो निकल के आएगा। तो देखिए इस प्रोग्राम में 7.1 प्रोग्राम द कैलकुलेट पेबल अमाउंट फॉर द टेंट, तो यहाँ हमें अलग अलग, देखो इसको बिना फंक्शन के हम यूज़ करते हैं, विदाउट फंक्शन अगर इस प्रोग्राम को हम करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सिलेंड्रिकल पार्ट जो है जो मैंने आपको बताया उसके लिए दो क्या लेनी है वेरिएबल, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है हमें, हाइट और उसकी रेडियस। अगर हाइट और रेडियस और लेंथ आपको मिल जाए, सिलेंट हाइट मिल जाती है, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे किस क्या सिलेंड्रिकल पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे, फिर हम सॉरी कॉनिकल एरिया का पार्ट, और फिर है सिलेंड्रिकल पार्ट उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे। दोनों एरिया को कैलकुलेट करने के बाद में दोनों एरिया जो भी टोटल जो आया इनका वो हम कैनवास एरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, यानी कि टोटल एरिया अपने अपने पास काउंट हो गया। आफ्टर दैट क्या करेंगे, जो भी कॉस्ट है यानी जो एक यूनिट की प्राइस है वो जो कैनवास एरिया है उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टोटल कॉस्ट अपने निकल के आ जाएगी, ठीक है, और प्रिंट कर देंगे किसको टोटल कॉस्ट को, और इसके बाद में जो भी टोटल कॉस्ट आई है उसके साथ में अपने 18% जो अपने GST जो भी टैक्स है वो प्लस कर देंगे। पहले वो टैक्स कैलकुलेट करेंगे और टैक्स कैलकुलेट करने के बाद में टोटल कॉस्ट में इसको जोड़कर इसको नेट अमाउंट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये था आपका एक विदाउट विदाउट फंक्शन। इसी प्रोग्राम को हम फंक्शन से यूज़ करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर इस टेंट को कैलकुलेट करने के लिए 3 फंक्शन को हमने डिक्लेयर किया, देखो ब्लॉक नेम और ये ब्लॉक नेम है सिलेंड्रिकल पार्ट कैनवास एरिया और ये है आपकी प्राइस। तो सबसे पहले हमने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया है, दूसरा फंक्शन बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो लेंथ है और ये, ठीक है, ये दोनों लेंथ ये और ये, ये दोनों को हमने यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन बनाया CON, ठीक है। फिर दोनों को प्लस करने के बाद में जो भी अपनी प्राइस आएगी, जो टोटल एरिया निकल के आएगा, उसके लिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, टैक्स कैलकुलेट करना है टोटल प्राइस पे। तो ये तीसरा जो फंक्शन बनाया है वो टोटल प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए बनाया। तो यहाँ पे कितने फंक्शन बनाए हैं, 3 फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल पार्ट कैनवास पार्ट और टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा कि कोई भी फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बग्स आ रही हैं, उन बग को हम डीबग कर लेंगे। अगर यहाँ पर इससे ऊपर जो प्रोग्राम था विदाउट फंक्शन उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती तो हम क्या करते, पूरे प्रोग्राम को हमें चेक करना पड़ता लाइन बाय लाइन की कहाँ भी प्रॉब्लम आ रही, बट यहाँ पे किसी भी फंक्शन में प्रॉब्लम आएगी तो उसी प्रॉब्लम को हम क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और रिमूव कर देंगे। अब देखो इसका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस के यूजेस क्या है और फंक्शंस को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। देखो इन प्रोग्रामिंग द यूज ऑफ फंक्शन इन वन ऑफ द मीन्स अचीव मॉड्यूलेटरी एंड रीयूजेबिलिटी। होता क्या है कि अगर हम फंक्शन का यूज करके करते हैं तो इससे ये फर्क पड़ेगा, मॉड्यूलेटरी यानी मॉड्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मॉड्यूल्स मतलब अगर बड़ा प्रोग्राम तो उसको टुकड़ों में मॉड्यूल्स में हम उसको कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में अगर समझेंगे उसको तो इजीली हमें समझ में आ जाएगा, लिखने में भी ठीक रहेगा और उसका जो एग्जीक्यूट स्पीड है वो भी ठीक रहेगी और
के बाद में ये कि अगर ये एक ब्लॉक बन जाता है, इस ब्लॉक को हम अगेन क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। भाई एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया, ठीक है, अब इस ब्लॉक का नाम दे दिया CYL, ठीक है, कभी भी इसके कोड की जरूरत हमें पड़ी तो हम CYL को कॉल कर लेंगे और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनको हम क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि निष्पादित कर देंगे। अब देखो नेक्स्ट, फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज ए नेम्ड ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो फंक्शन क्या होता है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देशों का जो ग्रुप होता है उसी का एक नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन, ठीक है। और फंक्शन कैन बी कॉल्ड रिपीटेडली फ्रॉम द डिफरेंट प्लेस ऑफ द प्रोग्राम विदाउट राइटिंग द कोड्स द फंक्शन एवरी टाइम्स, यानी कि बिना, अगर एक बार आपने लिख दिया प्रोग्राम में कहीं पर भी, अगर उसका यूज़ करना है प्रोग्राम में किसी भी जगह पर, तो हम उसको इजी रिपीट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, किसी भी स्थान पर किसी भी टाइम पर उसको हम क्या करेंगे, रीयूज कर सकते हैं। और इट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड अनदर फंक्शन, इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, कई फंक्शंस का भी हम यूज कर सकते हैं, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। द प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज मैनी फंक्शंस एज डिजायर्ड व्हाइल राइटिंग द कोड। अब देखो वही जो फंक्शन है अभी हम प्रोग्राम करके आए बिना फंक्शन के, अब उसका यूज करेंगे विथ फंक्शन, फंक्शन का यूज करके। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, जो एरिया कैलकुलेट किया किसके लिए, सिलेंड्रिकल पार्ट का। फिर कॉनिकल पार्ट, यानी कि ये जो है एक फंक्शन बनाया CYL और उसमें टू आर्गुमेंट लिए हैं, इनको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट, ठीक है, और इसके अंदर हमने एरिया को कैलकुलेट किया है, देन हमने कॉनिकल पार्ट के एरिया को कैलकुलेट किया है कौन फंक्शन का यूज करके, और देन कंप्यूट पेबल अमाउंट, जो अपनी कॉस्ट आई उस पर 18% जो 18% है वो जो GST है या फिर जो भी टैक्स है वो यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है कैलकुलेट करने के बाद में। तो ये यहाँ पर हमने थ्री फंक्शन लिखे हैं, फर्स्ट टू एंड थर्ड, ठीक है। अब प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्राम की वैल्यू को हमने रिटर्न किया है और जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनकी वैल्यू को पास किया है हमने यहाँ से। देखिए जब इसको कॉल करेंगे तो उसी के साथ में ये कॉल होते हैं। तो ये कुछ मैंने आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम, ये थोड़ी सी इसकी थ्योरी मैंने बताई है, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आपको इजीली सारा समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं पाइथन की, जो कि मैंने पहले से ओपन की हुई है। तो देखिए इसका फंक्शंस का यूज़ क्या है, किस तरीके से इसका जो हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले कोई भी फंक्शन हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे DEF, फंक्शन को यूज़ करने के लिए क्या लिखेंगे, DEF। वैसे DEF का मतलब होता है डिफाइन ऑफ फंक्शन, फंक्शन को डिफाइन करना, ठीक है। तो इसके इसको प्रैक्टिकल समझने पहले इसके कुछ एडवांटेज हैं उनको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले है इंक्रीज रीडेबिलिटी, पर्टिकुलरली फॉर लॉन्गर कोड बाई यूजिंग फंक्शन द प्रोग्राम इज बेटर ऑर्गनाइज और इजी टू इंस्टेंट। अगर फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इसकी जो रीडेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, और जो कोड है लॉन्गर कोड बाई यूजिंग फंक्शन उसको हम बेटर तरीके से ऑर्गनाइज कर सकते हैं और इजी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। रेड्यूस कोड लेंथ एज सेम कोड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिटन इन मल्टीपल प्लेसेज इन प्रोग्राम। जब प्रोग्राम रिड्यूस होगा, प्रोग्राम रिड्यूस कोड लेंथ, यानी प्रोग्राम की जो लेंथ थी वो फंक्शन का यूज करने के बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एज सेम कोड, क्योंकि वो जो सेम कोड था रिपीट हो रहा था वो रिपीटेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो सारे सेम कोड को एक जगह लिख दिया। टू बी रिटन एट मल्टीपल प्लेसेस इन द प्रोग्राम दैट ऑल्सो मेक डीबगिंग आइजर। तो इससे क्या होगा, अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी यानी कि बग आएंगे तो उनको इजी से हम क्या कर सकते हैं, डीबगिंग कर सकते हैं, एरर को रिमूव कर सकते हैं। इंक्रीज रीयूजिबिलिटी, रीयूजिबिलिटी मतलब एक बार एक कोड लिख दिया उसका बार बार में आप किसी भी प्लेस पर प्रोग्राम में कभी भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ये इसका मतलब होता है रीयूजिबिलिटी। एज फंक्शन कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अनदर फंक्शन ऑन अनदर प्रोग्राम, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं। दिस वी कैन
Reuse or build upon already defined function and avoid repetition writing the same pieces of code. यानी एक बार हमने प्रोग्राम को लिख लिया, ठीक है, तो उसको रिपीट यानी दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, उसी को हम क्या करेंगे, वापस, हाँ वापस क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे. Work can be easily divided among the members of completed in parallel. ठीक है, work can be easily, अगर उस फंक्शन का यूज करेंगे तो हम आसानी से उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमने डिवाइड अमंग टीम मेंबर्स एंड कंप्लीटेड पैरेलल, जो भी अपने टीम मेंबर है उनको वो जो कोड है यूज करने के लिए दे सकते हैं. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन किस तरीके से यूज किए जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर ये देखो, क्रिएटिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन है. सबसे पहले हमें DEF का यूज करना पड़ेगा, फिर फंक्शन का नेम लिखेंगे और फिर पैरामीटर लिस्ट होगी, फर्स्ट और टू, ठीक है, फर्स्ट टू थ्री कितनी भी हो सकती हैं, और फिर इसके अंदर क्या रहेंगे, कोड रहेंगे. तो अब हम करते हैं इसका प्रैक्टिकल. तो सबसे पहले हमने DEF लिखा और यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी फंक्शन का नेम, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स वाई जेड, ये फंक्शन का नेम है. और फंक्शन के बाद में आपको पैरेंथेसिस का यूज करना है. पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, ओपन एंड क्लोज जो होता है वो पैरेंथेसिस होता है, और यहाँ पे हम लिखेंगे कोलन. अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हेलो, एक स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है, DEF और एक्स वाई जेड, तो ये एक फंक्शन है. देखो जैसे कि पहले जो प्रोग्राम किए थे उसमें प्रिंट क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए ना हेलो. बट इससे पहले हमने क्या लिखा है, DEF, ये जो प्रिंट है किसके अंदर लिखा है, इस फंक्शन के अंदर लिखा है. तो फंक्शन के आपके जो पार्ट होंगे वो टू पार्ट होंगे, जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका होगा यहाँ पर फंक्शन डिफाइन करना, और दूसरा पार्ट होगा फंक्शन को कॉल करना. तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेव कर लेते हैं, यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ. तो जैसे ही रन किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नीचे कोई भी कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ. क्यों नहीं प्रिंट हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको कॉल ही नहीं किया. कॉल नहीं करेंगे तब तक ये प्रिंट नहीं हुआ. तो जो कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए एक्स वाई जेड यानी फंक्शन का नेम लिखना है और पैरेंथेसिस का यूज करना है. अब देखते हैं, इसको सेव करते हैं, अब रन करते हैं, देखो नीचे आ गया हेलो, ठीक है, प्रिंट हो रहा है. तो मीन्स ये क्या है, सबसे पहले हमें फंक्शन को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में हमें यहाँ पर क्या इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखने पड़ेंगे इसकी बॉडी के अंदर, और फिर इसको कॉल करने के लिए एक्स वाई जेड का यूज करना पड़ेगा, फिर जाके वो प्रिंट होगा. एक दूसरा प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए इक्वल टेन, बी इक्वल 20 और सी इक्वल ए प्लस बी, ठीक है. तो देखिए अभी इसके अंदर जो अलग थ्री स्टेटमेंट दिए हैं एक्स वाई जेड के अंदर, अब हम इस सी को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट सी, सी की वैल्यू को प्रिंट कर दिया. तो जैसे मैं यहाँ पे सी की वैल्यू को प्रिंट करूँगा तो देखिए इसको सेव करते हैं और ये देखिए क्या आ गया, 30 आ गया ना रिजल्ट. तो जो भी रिजल्ट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20 और सी की वैल्यू, ये क्यों कब आ रहा है, यहाँ पर इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं. अब देखो यहाँ पर बात की थी मैंने पैरामीटर की, पैरामीटर क्या होते हैं, इसके अंदर जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उन वेरिएबल को हमें, हम पूरे वेरिएबल जो भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसको बोलते हैं पैरामीटर लिस्ट, ठीक है. अब यहाँ पे कितने वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे दो वेरिएबल लेता हूँ ए और बी. ये ए बी वेरिएबल यहाँ पे भी डिक्लेयर कर सकते हो और यहाँ पर भी डिक्लेयर कर सकते हो आप. तो मैंने कहाँ पर डिक्लेयर कर दिए, इसके पैरेंथेसिस के अंदर. और जब पैरेंथेसिस के अंदर डिक्लेयर कर देंगे तब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू फंक्शन को कॉल करते टाइम भी असाइन कर सकते हैं. जैसे मैं ये यहाँ से रिमूव कर देता हूँ. अब देखो ए और बी मैंने ऊपर डिक्लेयर कर दी, ये ए बी कहाँ से आए,
जो यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे थे इनको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे टू आर्ग्यूमेंट मैंने लिए और वो आर्ग्यूमेंट है ए और बी को प्लस करके सी के अंदर वैल्यू ट्रांसफर कर दी, ठीक है। बट इनकी वैल्यू कहाँ से आएगी, भाई वैल्यू यहाँ से भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सर कॉलिंग करेंगे ना, कॉल के टाइम भी वैल्यू, जैसे ये इसको कॉल करने जाएगा तब वैल्यू भी लेके जाएगा इसके पास में और ये प्लस होके आ जाएगी। तो सेव करते हैं, ये देखिए यूनिट 10 डज नॉट मैच आवर इंटरनेट लेवल। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि ये वैल्यू जब कॉल करेंगे, इस फंक्शन को हमने यहाँ से कॉल किया है, ठीक है, एक्स वाई जेड कॉल किया, कॉल के साथ में ही जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे ए और बी, तो ये पहले वैल्यू जाएगी इसके पास में, 10 जाएगी ए में और 20 बी में इनिशियलाइज हो जाएगी। जैसे इनिशियलाइज हो जाएंगी तो ये कॉल के बाद में इसके अंदर दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे आपके, रन हो जाएंगे और रन होने के बाद में और हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे, ठीक है, और प्रिंट आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको देखिए रन करके देखते हैं यहाँ पर, और ये आ गई 30, ठीक है, 30 आ गई। तो ये तो था हमारा कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन। अब हम सीखेंगे रन टाइम इनिशियलाइजेशन की वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं, वैल्यू कैसे रिटर्न की जाती है और वैल्यू कैसे पास की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर ए और बी न देकर वैल्यू को कैसे रिटर्न की जाती है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स इक्वल इंट, इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, फिर वाई, दूसरा वेरिएबल लेंगे इंट, इनपुट इंटर वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। अब एक्स और वाई की वैल्यू हमें इनपुट फंक्शन से कीबोर्ड से इनपुट करनी है। पहले तो हमने 10 और 20 जो वैल्यू दी थी पहले, अब हमें एक्स और बी के लिए वैल्यू प्रोवाइड करवानी है और उस एक्स और बी को एक्स वाई जेड फंक्शन के साथ में ए और बी को, यानी जो एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो कहां चली जाएगी, ए के पास, और वाई की वैल्यू बी के पास चली जाएगी, ठीक है। देखते हैं इसको रन करते हैं, ये देखिए नीचे आ गया एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहां पे एक्स की वैल्यू देता हूं मैं 10, फिर ये मांग रहा है एंटर वैल्यू ऑफ वाई, तो अब देखिए आएगा 30, दोनों को प्लस हो गया। अब एक्स और अभी इससे पहले हमने जो 10 और 20 दिया था वो वैल्यू पहले से हमने लिख दी थी, बट अब की बार हमने वैल्यू नहीं लिखी है, अब की बार हमने एक्स और वाई का यूज किया है, यानी कि ये वेरिएबल का यूज किया है, वेरिएबल को वेरिएबल के पास में उसके एड्रेस को एड्रेस के अंदर पास किया है, उसके साथ में वैल्यू जो भी कीबोर्ड से देंगे वो इनके पास ले जाएगी और प्रिंट। ये था वैल्यू को पास करना। अब हम सीखेंगे रिटर्न करना कि रिटर्न कैसे, अगर ये जो फंक्शन है इससे वापस वैल्यू लेनी है, अभी तो हम प्रिंट कर रहे हैं, वापस लेंगे तो किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, रिटर्न सी। अब हम प्रिंट नहीं करेंगे, अब रिटर्न फंक्शन क्या करेगा, जो भी सी के पास जो भी आएगा रिजल्ट, आएगा 30 आएगा, वो कहां पे चला जाएगा, एक्स वाई जेड के पास, और एक्स वाई जेड के पास रहेगा। अब उस एक्स वाई जेड को हमें दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफर करवाना है, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं डी, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया डी इक्वल एक्स वाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई जेड की वैल्यू वो किस में चली जाएगी, डी के पास में। देखो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम देंगे 10, फिर वाई की वैल्यू देंगे 20, वो एक्स और वाई कहां है, ये रही, ये जैसे कॉल करेगा तो ये जाएगा ए और बी के पास, ए और बी को जोड़ के सी के पास आ जाएगी, सी क्या करेगा, जो भी 30 आया उसको किसको दे देगा, एक्स वाई जेड को, एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। अब 30 जो वैल्यू हो जाएगी वो किसके पास ट्रांसफर हो जाएगी, डी के पास, 30 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगी, डी के पास, ठीक है। अब डी को हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, डी को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, ये कर दिया डी को प्रिंट, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए सबसे पहले वैल्यू मांग रहा है x की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, ठीक है, आ गया 30, ठीक है। अब d की वैल्यू, तो ये था रिटर्न सिस्टम। तो इस तरीके से हम फंक्शन का यूज करेंगे और उसके अंदर बाद में कैसे उसमें पैरामीटर का यूज करते हैं, लास्ट में इसके यूज कर टर्मिनेट करते हैं इसको यहाँ से कोलन के साथ में, और इसमें जो स्टेटमेंट लिखेंगे किस तरीके से रिटर्न करते हैं ये सीखा, और उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अपन और भी इसके फंक्शन से रिलेटेड और भी जो वैल्यू को किस तरीके से रिटर्न है और अच्छे से प्रोग्राम हम सीखेंगे, ओके।